दोस्तों बीटेक करें या एमटेक करें, दोनों में एक कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में रहता है। जब बात आती है डिस्टेंस में करने की, बात आती है पार्ट टाइम में करने की, या फिर इवनिंग क्लासेस की बात आती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको अप्रूवल तक नहीं कि वो उस मोड पर चला पाए, बट फिर भी इन दोनों कोर्सेज को पार्ट टाइम मोड पर या किसी दूसरे मोड पर अपनी यूनिवर्सिटी में चलाती है इन कोर्सेज को। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो पार्ट टाइम में एमटेक करवाती है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि WILP के नाम से करवाती हैं यूनिवर्सिटी में कोर्स को, बीटेक भी करवाते हैं एमटेक भी करवाते हैं, डिपेंड करता है कौन से कोर्स को आप करना चाहते हो। पार्ट टाइम कर रहे हो, इवनिंग क्लासेस ले रहे हो, या फिर क्या बोलता है UGC गाइडलाइंस क्या बोलती है यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि डिस्टेंस में करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे बीटेक या एमटेक, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या हुआ, ये किसी से बात छुपी नहीं है, सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने इस पर बनाई हुई है। हमेशा से ही हम कोशिश करते हैं कि आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर कर सके, और कौन से कोर्सेज किस मोड पर चलाए जाते हैं हिंदुस्तान में, अपने देश में क्या है सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन का, क्या बोलता है डिस्टेंस का सिस्टम, या फिर क्या बोलता है पार्ट टाइम एजुकेशन का सिस्टम, आपको बीटेक करना है एमटेक करना है पार्ट टाइम में कैसे आप कर पाएंगे, उन सब चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में या फिर जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी कहीं ना कहीं अभी वर्किंग है, वो चाहते हैं बीटेक कंटिन्यू करना या बीटेक को कंप्लीट करना, या फिर जॉब के रहते या फिर गवर्नमेंट जॉब में है आप एमटेक करना चाहते हैं, ऐसे जो भी आपके सवाल है सवाल क्लियर करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए पार्ट टाइम बीटेक और एमटेक के बारे में, या फिर क्या बोलता है ऑनलाइन मोड, ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बीटेक आप करना चाहते हैं पार्ट टाइम मोड पर या फिर डिस्टेंस में कोई आपको ऑफर करता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूं कि डिस्टेंस मोड पर बीटेक नहीं होता। डिस्टेंस मोड पर ना बीटेक होगा ना एमटेक होगा, अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो। जो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि अभी नोटिस आया था खुद यूजीसी का, डेप पर भी अवेलेबल है वो साइट पर, आप उस वीडियो को देख लेना जिसमें ये मेंशन है कि कोई भी किसी भी तरह का जो टेक्निकल कोर्स है आप उसको ऑनलाइन या फिर किसी भी तरह से डिस्टेंस मोड पर आप नहीं कर सकते, उसके भी कुछ टर्म कंडीशन है, उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है। दूसरी ये बात आती है, कई सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि सर मुझे एक यूनिवर्सिटी इवनिंग मोड पर बीटेक कराने की बात कर रही है, क्या मैं इवनिंग मोड पर कर सकता हूँ। दोस्तों इवनिंग मोड पर आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लास लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डे शिफ्ट में ही जाना होगा, इवनिंग शिफ्ट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, आप कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि पार्ट टाइम जो मोड बनते हैं खास करके एमटेक स्टूडेंट्स के लिए, पार्ट टाइम में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एमटेक करवाती है, बस वो जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का हो जाता है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी भी आप जॉब में है पर आप चाहते हैं अपनी एजुकेशन को आगे करना, आप चाहते हैं एमटेक में जिस भी स्ट्रीम में आप एमटेक करना चाहते हैं पार्ट टाइम में आप कर सकते हैं। क्लासेस किस तरह होती हैं वो सब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, बट जो एक मोड बना हुआ है ये जिसे बोलते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और आप अभी बीटेक करना चाहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आए एडमिशन ले लिया, क्लासेस आप लगाएंगे नहीं, सब कुछ ऑनलाइन करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए डिप्लोमा पास आउट आप कहीं से भी हैं, डिप्लोमा पास आउट है, अभी आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो अपनी कंपनी से एक NOC लेंगे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड हो सकता है या कोई भी मोड हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। और फिर जो एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स देने का भी मोड देखा जाए तो ऑनलाइन करवा देते हैं बहुत से लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन करवा रही हैं, बट मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी अगर हो सके तो एग्जाम्स देने आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएं, या फिर वो यूनिवर्सिटी जिस भी तरह से एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है आप वो एग्जाम्स अटेंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपके साथ आएगी नहीं, क्योंकि अपने देश में पार्ट टाइम के साथ साथ ही जो इंटीग्रेटेड लर्निंग के प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी अवेलेबल है, और साथ में ही ऑनलाइन एजुकेशन लेने के भी सिस्टम बहुत सारे आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों आप भी अगर जानना चाहते हैं या फिर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पार्ट टाइम बीटेक या एमटेक में, या फिर ऑनलाइन किस तरह से मोड चलते हैं, या फिर वर्किंग इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना आप चाहते हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। हम आपको बेस्ट टू बेस्ट जो यूनिवर्सिटी होगी हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे क्या फीस होती है, किस तरह से एडमिशन होते हैं, और भी आपको डिटेल में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। क्योंकि जैसे ही COVID-19 आया उसके बाद से तो सब कुछ ही ऑनलाइन चला गया, उसके पहले भी कई सारे ऐसे नोटिफिकेशंस आया करते जिसको वक्त वक्त पर हमेशा से चैलेंज किया जाता था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पर मैं आपको बता दूं COVID-19 के बाद से जब से ऑनलाइन आया, ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज को अप्रूवल मिला और बहुत सारे कोर्सेज की ऑनलाइन क्लासेस चलनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी आपको अटेंड करनी होती है।
वहाँ पर ई बुक्स अवेलेबल होती है, ई लाइब्रेरी अवेलेबल होती है, सभी डाउट्स क्लियर होते हैं और इवन ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस है यूजीसी की, डैब की, कि जिसको फॉलो करना उस यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर वो कोर्स वो यूनिवर्सिटी चला ही नहीं सकती। आपको हर तरह के FAQs मिलते हैं, जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप क्वेश्चन चाहते हैं पूछना, फैकल्टी मेंबर्स ऑनलाइन एजुकेशन में अवेलेबल होते हैं। तो आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफर करती है पार्ट टाइम एमटेक, आप कर सकते हैं। 3 साल का ड्यूरेशन होगा, आपको याद रहे। पर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर किसी आप प्राइवेट जॉब में नहीं है और अगर आप कर सकते हैं रेगुलर, तो आपको 2 साल की एमटेक के लिए ही जाना चाहिए। बट बीटेक की जहां तक हम बात करें, बीटेक इवनिंग प्रोग्राम बहुत जगह चलते हैं, पार्ट टाइम मोड आप इसे बोलते हो। कई जगह पर ये WILP के नाम से चलता है, जिसको हम वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें भी एडमिशन ले सकते हो, डिप्लोमा आपका पास होना चाहिए। आप जहां भी कंपनी में जॉब कर रहे हो वहां से आपको NOC लेना होगा, तभी आप इस इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में एंटर कर पाओगे और वो पार्ट टाइम ही कहलाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं सभी प्रोग्राम्स को। और दोस्तों, आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के और अगर डाउट्स हैं किसी भी तरह के पार्ट टाइम बीटेक के या पार्ट टाइम एमटेक को लेकर, या फिर कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको करवा रही है पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है, तो उस यूनिवर्सिटी की और डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना। और किस यूनिवर्सिटी पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है या पार्ट टाइम में आपको डिप्लोमा बीटेक एमटेक कराने की बात करती है, हो सकता है ऐसी कई सारी बातें जो वो आपको ना बताएं और हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सब डाउट्स को क्लियर कर सकें। दोस्तों, अगर अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए करा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।